अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूँ शाजिया ज़ेशान। प्रोग्राम में सईद काजी हैं और अमेरिका से रऊफ क्लासरा साहब। और हम आपको बता दें कि आज अमेरिका से रऊफ क्लासरा साहब का आखिरी प्रोग्राम है। मंडे का जो प्रोग्राम है, क्लासरा साहब हमारे साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान से करेंगे। नाज़रीन, आखिरकार हुकूमत की ना हाँ में बदल ही गई। जी हाँ, आजादी मार्च के साथ साथ इनकलाबी मार्च को भी इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी गई। ताहिर कादरी का इनकलाब मार्च आजादी मार्च के बहुत देर बाद शुरू हुआ और जल्द ही आजादी मार्च को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। एक तरफ सुस्ती तो दूसरी तरफ चुस्ती देखने में आई। इमरान खान कल भी बारहा ये कहते रहे कि हम इस्लामाबाद वजीर आजम से इस्तीफा मांगने जा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर वजीर आजम इस्तीफा नहीं देते तो इमरान खान कब तक वहां बैठे रहेंगे, और अगर इस्तीफा लिए बगैर वापस आते हैं तो फिर क्या इनका सियासी मैच खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद जैसा पुरसुकून शहर कब तक इस शोरों गुल की कैफियत में रहेगा। इस पर आज बात करेंगे हम। ये भी आपको बताएंगे कि आजादी मार्च और इंकलाब मार्च कहां तक पहुंचा। लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरें और भी हैं। काजी साहब के पास भी क्लासेस आपके पास भी, एक आध खबर डिस्कस करेंगे और वो खबर ये डिस्कस करूंगा कि एक ऐसी खबर जो कि बड़ी अहम थी, जो इस हुल घपाड़े और शोर में दब के रहेगी, वो ये थी कि 60 अरब रूपये की जो सब्सिडी है वो विदड्रॉ कर ली गई IMF के कहने पे। गोया आपके जो अगले बिल होंगे, जो हमने पहले भी जिक्र किया था, मैंने ये खास तौर पर खबर इसलिए रखी है कि लोग जो बाहर आ रहे हैं, जो मैंने इंटरव्यू सुने हैं, तो मैंने बाज चैनल पे तो लोग बता रहे थे कि जी आप क्यों बाहर आए हैं, तो कहते हैं जनाब हमारे पास बिजली नहीं है, हमारी बिजली का बिल नहीं है। तो बुनियादी तौर पर वो जो काम है जो लोगों को घरों से बाहर धकेल रहा है, इस पर बात करेंगे। इस मार्च की भी बात करेंगे, आज के कितना लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया। और ये जो लोग कल तक कहते थे चूंकि पाकिस्तान में जमहूरियत है लिहाजा यहां अल तहरीर नहीं बन सकता, और मुझे आपको याद है पीपल्स पार्टी के वजीर कहा करते थे, तो लोग बाहर आ गए हैं, खास इकोनॉमिक कंडीशन चाहिए। कितने आए हैं कितने नहीं आए ये देखने की बात है। लेकिन एक हम कह सकते इस पे बात करेंगे कि ये बहरहाल एक जो दाएं बाजू की पार्टियां हैं वो नारे बाएं बाजू के लगा रही हैं और शायद वक्त फिर किसी और समत पे या घूम के जा रहा है, इस पे बात करें। क्लास साहब के पास चलते हैं। जी क्लास साहब, आपके पास क्या कोई खास खबर है आज शेयर करने के लिए? शाहजा, मेरा ख्याल जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरह सड़कों में हम देख रहे हैं, आने वाले दिन जो हैं बड़े एक्साइटिंग हैं, तो मैं तो आज की खबर शेयर नहीं कर रहा। कोई कोशिश तो यही कीजिए कि मेरा ख्याल करेंगे। काजी साहब की बड़ी अहम स्टोरी है कि जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो इमरान खान साहब और तहरुल कादरी साहब इस्लामाबाद मार्च कर रहे हैं, मेरा ख्याल आज को ये गुफ्तगू इसी पे रखेंगे और उसके मुख्तलिफ जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर। अच्छा साहब, मेरी जो स्टोरी है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जो आप लोग घरों से जो निकल रहे हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस और वो बोझ हम ऊपर ऊपर जा रहा है, मगर उस यानी हम डालते जा रहे हैं और जो है इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा और लान बात इसीलिए लोग निकले हैं बाहर। चले इसी पर बात कर लेते हैं। हम गुल्लू बट्टों को सीधा करने आए हैं, वजीर आजम से इस्तीफा लेने आए हैं। कल इमरान खान बारहा अपने खिताब के दौरान ये कहते रहे। क्लासरा साहब, आजादी मार्च को भी इजाजत मिल गई, इनकलाब मार्च को भी इजाजत मिल गई, तो एक आम जहन में ये सवाल उभरता है क्या कि किसी ये डील का नतीजा तो नहीं? शायद दो तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद होगा कि दो दिन पहले इन मुलाकात हुई थी, मेरा ख्याल 13 अगस्त को हुई थी अगर मैं डेट सही बता रहा हूँ, जनरल रहील से जाके शहबाज शरीफ साहब ने और चौधरी निसार अली खान साहब ने, इनकी मुलाकात हुई थी। मैं इसको बड़ा अहम समझ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि उस मुलाकात के बाद हमने ये देखा है कि कुछ हुकूमती मौकफ जो है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हुई है, और जैसे उन्होंने और इमरान खान साहब की तरफ से हमने देखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने बड़ा इनके रीजनेबल और बड़ा सेंसिबल बयान दिया है कि हम जो भी एहतजाज करेंगे वो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए करेंगे, और उनके लिए स्पेशल जो उन्होंने वहां पे स्पेस और प्लेसेस उन्होंने वहां पे उन्होंने एलोकेट किए हैं या फिक्स किए हैं इस्लामाबाद में चौधरी निसार अली खान साहब ने, उसके खिलाफ अब तक इमरान खान जो उनकी पार्टी ने कोई बात नहीं की कि 0 पॉइंट पर बिठाएंगे या उनको वहां पे कश्मीर हाईवे पर बिठाएंगे, जो कि ऑफकोर्स वहां से जो एक रेड जोन का एरिया है उससे दूर है। मुझे यह लगता है कहीं ना कहीं पे ये जो मिलिट्री से मुलाकात की गई है इसके नतीजे सामने आए हैं। एक पीसफुल तरीके से उनके कंटेनर्स भी हटाए गए हैं और इन्हें अदालतों के कहने पे नहीं हटाने थे, ये जहन में रखें, पंजाब हुकूमत ने या इस्लामाबाद हुकूमत ने इन्हें अदालतों के कहने पे नहीं हटाने थे और ना वो अदालतों को ज्यादा केयर करते हैं। ये डेफिनेटली जो मुलाकात जनरल रहील से की गई है उसमें इनकी कहीं ना कहीं पे एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप इतना ब्लडशेड मत करें, आप उनको आने दें। और इमरान खान की पार्टी को भी लगता यही है जो अगेन शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है कि उनको भी कोई पैगाम भेजा गया है कि आप इतने हेड ऑन ना जाएं, आप इस्लामाबाद में
آباد کو آپ نے یلغار نہیں کرنی، اسلام آباد پہ احتجاج ضرور کریں اور طریقے سے کریں. اور اب تک لگتا ہے کہ جو دونوں سائڈز ہیں ان کو جو بھی سکرپٹ دیا گیا ہے، جو بھی گائیڈ لائن دی گئی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی ہے، اگین یہ بہتر لفظ ہوگا انڈرسٹینڈنگ، تو دونوں پارٹیز اس کو فالو کر رہی ہیں، جو مجھے آپ کہہ لیں ایک تھوڑا سا پازیٹو سائن لگ رہا ہے. صاحب ہمیں عمران خان خطاب کریں، گوجرانوالہ پہنچا ہے، آزادی مارچ منزل گوجرانوالہ ہے اس وقت. عمران خان کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں اس وقت، وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم بھی اپنے ناظرین کو سنا دیتے ہیں. عمران خان کا آزادی مارچ اس وقت پہنچا ہے گوجرانوالہ، اور یقیناً وہاں پر بہت شور ہے، ترانے لگائے جاتے ہیں، گانے لگائے جاتے ہیں، ڈھول کی تھاپ ہے وہاں پر، بہت زیادہ شور ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کی جو آواز ہے شاید اسی وجہ سے ہمارے تک ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ سکی. قاضی صاحب ابھی جو بات کلاسرا صاحب کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب لاکھوں کا مجمع بھی اسلام آباد اکٹھا ہو جائے تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ذرا تھوڑا کنٹراسٹ کر لیتے ہیں. جب ہم نے 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر کی آمد دیکھی تھی وہاں پہ، تو ہم نے یہ دیکھا تھا شازیہ کہ وہاں تقریباً جو سرکاری رپورٹ مجھے کسی نے بتائی تھی، سم باڈی مائٹ کریکٹ می، میرے کو زیادہ لنکس نہیں ہے، 9 لاکھ مشرف صاحب کو بتائے گئے تھے، اور وہاں سیفلی 15 سے 18 لاکھ آدمی تھا. اچھا. اور وہ حالیہ تاریخ میں شاید سب سے بڑا تھا. پھر اس کے بعد فوری طور پر 2 دھماکوں کا انتظام کرنا پڑا لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے. ابھی آپ یہ دیکھیں یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ایک تو یہ سمجھیں کہ وہ موبلٹی ابھی موبلٹی ہوئی ہے، لوگ باہر آئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ باہر آئے ہیں وہ اس ابھی جو 2-4 میں نے انٹرویوز دیکھے، لوگوں نے کہا جناب عمران خان نے بھی تھوڑی سی ریٹرک بدلی، ایک بڑا دبے لفظوں میں روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا جیسے کچھ وہ جھجکتے ہوں اس سے، مگر انہوں نے یہ نام لیا ضرور. اور مجھے یاد آیا کہ جب بے نظیر دبئی سے کلاسرا صاحب نکل رہی تھیں تو انہوں نے یہی اپنا 70 کا جو پرانا نعرہ تھا وہ بھی انہوں نے دہرا دیا تھا. تو لوگ جو گھروں سے نکل رہے ہیں وہ اس لیے نکل رہے ہیں کہ جو ایک اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کے گھروں میں سے عافیت کو وہ آپ کی مجھے بریک لگتی نہیں ابھی نہیں ہے. اچھا تو لوگوں کے گھروں سے جب آپ عافیت چھین لیتے ہیں تو پھر کلاسرا صاحب لوگ گھروں سے نکل کے گلی کی عافیت ختم کر دیتے ہیں. تو یہ جو پہلے مفروضہ تھا اور جو میں ابھی شازیہ سے بات کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیں بعض وزراء کہتے تھے کہ نہیں جی مصر نہیں بنے گا، تحریر سکیئر جو ہے وہ اس لیے بنا ہے کیونکہ وہ ڈکٹیٹر ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ جمہوریت میں بھی ہو سکتی ہے، ایک بات تو یہ. مگر آج میں یہی بات تو رہوں گا کلاسرا صاحب کہ جب ہم یہ سٹوری کور کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ لوگ حسنی مبارک کو اتار کے جب گھر جائیں گے تو ان کی چوکھٹ پہ وہی بھوک. مجھے بریک لینے دیں، بریک کا وقت ہے، اور بریک سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آزادی مارچ جو ہے اس وقت گوجرانوالہ پہنچا ہے، عمران خان اپنے کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں، اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید قاضی صاحب، آپ کمپیریزن کر رہے ہیں بی بی کی موومنٹس کا، جو ان کا لانگ مارچ اور اب یہ جو لانگ مارچ ہے، لوگ تب بھی اپنے مسائل کے لیے نکلے تھے، لوگ اب بھی اپنے مسائل کے لیے نکل رہے ہیں، مسائل وہی موجود ہیں. ہاں لیکن لوگوں کا مسئلہ کوئی نواز شریف صاحب کا استعفیٰ نہیں ہے صرف. دیکھیں استعفیٰ اگر ہے بھی، اگر لوگ سوچ رہے ہیں تو وہ کسی اور مقصد کے لیے، لیکن میں یہ جو میں جو ہسٹوریکلی اس کا کمپیریزن کرتا تھا ایک، اچھا اب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اب جو عمران خان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ جائیں گے ان کی کچھ امیدیں اور خواب، اللہ کرے ان کے خواب پورے ہو جائیں، یہ گھروں سے نکل کے تنگ ہو کے جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ خواب پورے نہیں ہوتے اور یہ گھروں میں پھر واپس آتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے مصر کا مثال دی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ حسنی مبارک کو نکال کے آئیں گے گھروں میں تو ان گھروں میں ان کی بھوک منتظر ہوگی. وہی ہوا. پھر اس کے بعد مرسی آیا تو مرسی کے لیے اس سے بھی بڑی بڑی تحریک اٹھی، اور 3 کروڑ لوگوں نے مرسی کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا، اب السیسی کے خلاف اٹھے گی. تو بنیادی جو چیز ریئلائز ہم نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کا تو گیس بجلی پانی اور روٹی کا مسئلہ ہے، اس کو اگر آپ ایڈریس نہیں کرتے اور آپ صرف استعفی دلوا، اگر تو ان کے استعفے سے کل گیس بحال ہو جائے گی، آپ آئی پی پیز کے جو تمام جو کارٹلز ہیں ان کو توڑ کے بجلی انسان کی اتنی قیمت میں لے جائیں گے جتنی اس کی جیب کی اوقات ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اگر آپ بے نظیر کا دیکھیں مثال کے طور پہ، بے نظیر کے جلوس میں کلاسرا صاحب گھوڑا نچانے کے لیے جگہ نہیں تھی. 10 اپریل کو جب میں یہاں پہ تھا تو وہاں پہ جو موب ہے مال روڈ پہ، اسی مال روڈ پہ 30 لاکھ کے شہر میں لوگ اکٹھے چل رہے تھے، کوئی انڈیویجلی قدم نہیں اٹھا سکے،
तो एक तो ये है, लेकिन फिर भी ये मोबिलाइज करने में लोगों को इसमें कम से कम ये सीड्स आप देख सकते हैं कि हम एक, और फिर मैं इसी खबर पे आ जाता हूं क्लासर साहब, इसी में खबर भी कर लूं कि 60 अरब रुपए जिस वजह से लोग इमरान खान के साथ शामिल हुए हैं वो काम जारी है। यानी इस 60 अरब रुपए की सब्सिडी को विदड्रॉ करके हम 500 की ट्रांच तो ले लेंगे, 500 अरब की मिलियन की ट्रांच लेंगे, खाएंगे हम, उसका जो बिल है वो आम आदमी देगा। तो वो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये इमरान खान साहब को भी समझना चाहिए और मुस्लिम लीग नून को भी और रियासत के जो अहम लोग हैं कि ये जो लोगों पे आप मईशत का बोझ डाल रहे हैं, आज तो ये छोटी छोटी मूवमेंट छूट रही हैं मगर ये छोटी नहीं रहेंगी और ये बड़ी उठ के बाहर आएंगी। और ये जो मूवमेंट चलाने वाले हैं ये भी देख लें कि अगर अवाम के जो असल इश्यूज हैं वो इसमें सेंटर स्टेज नहीं लेते तो फिर ये बुलबुले ही रहेंगे। सही क्लास साहब, वजीर आजम का इस्तीफा देना तो बजाय मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन अब ये जो इंकलाब और आजादी मार्च लेकर जा रहे हैं इन्हें अपनी सियासी साख को भी बरकरार रखना है, अपने कारकुनों को भी मुतमईन करना है, और अगर इस्तीफा लिए बगैर वापस आते हैं तो आप समझते हैं कि इनका सियासी करियर जो है वो दांव पे लग जाएगा? शाजिया, आप पिछले दो तीन दिन के देखें कि मियां साहब क्या कर रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस बनता है, एक इंटरेस्टिंग किस्म की स्टडी है। पिछले तीन दिन से मुसलसल वो आर्मी चीफ को अपने साथ रखे हुए हैं, आप देख लें उन्होंने यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की उसमें बिठाया आर्मी चीफ साहब को। अगले दिन हमने देखा एक दिन के गैप के साथ हो उन्होंने ये परेड थी वहां पे, ये पाकिस्तान परेड की कि इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, उनको अपने साथ रखा। आज वो ज्यारत तशरीफ ले गए थे, कल वहां ज्यारत में आर्मी चीफ को साथ हैं। अब कल देखने वो आर्मी चीफ की नई क्या उनकी मसरूफियात ऐसी बनाते हैं कि वो उनके साथ नजर आए। ये वो शौरी एफर्ट है मैं समझता हूँ। हाँ। कि किसी ने उनको मशवरा दिया है मेरे जैसे सियाने ने कि आप आर्मी चीफ को हर वक्त अपने साथ रखें, हर तकरीब में अपने साथ रखें, ताकि ये इंप्रेशन अगर किसी को मिलता है किसी मेरे जैसे बदखा को कि देखे शायद ये फौज इनके साथ नहीं है या मिलिट्री उनके साथ मिली हुई है, इस आप तस्वर को दूर करें। भुट्टो साहब ने भी जनरल आवाम को देने की कोशिश की थी, मुखालिफिन को देने की कोशिश की थी जब उन्होंने अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग में जिया साहब को भी बुलाया था और उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया गया था। तो आपको लगता है कि आर्मी चीफ को साथ रखना इस बात की गारंटी है कि कुछ होगा नहीं, फौज मदाखलत नहीं करेगी अगर हालात खराब भी हो जाए? ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या इससे फौज को क्या मैसेज जाएगा इन केस अगर चीजें हो रही है, और हम मान लेते हैं ये जेन्युइन किस्म की ये थी, ये मीटिंग थी कि उनका वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल में आना जरूरी था, अगरचे वहां पे आपने सामने पॉलिटिशियंस को बिठा दिया और मैसेज भेजा कि ये सियासतदान मेरे साथ हैं, आपने उस वक्त मैसेज भेजा अपोजिशन को, अपोजिशन मीन इमरान खान या तहरुल कादरी साहब को, कि ये देखें जितनी अपोजिशन है वो मेरे साथ है, और आर्मी को भी मैसेज भेजा कि ये देख लें जितने आपके एमक्यूएम है, एएनपी है या पीपल्स पार्टी है वो मेरे साथ बैठी हुई है, और जनरल साहब सामने बैठे हुए थे, और आप वो जनरल साहब को साथ लेकर फिरते हैं तो शायद वो अगेन पूरे के पूरे अपोजिशन को मैसेज दे रहे हैं कि ये देखें अगर आप जनरल साहब पे आप तकिया करके इस्लामाबाद आ रहे हैं तो जनरल साहब मेरे साथ हैं। आपका सवाल बड़ा अहम है कि भुट्टो साहब से यही भी अगर मोस्ट ऑफ ये हिस्टोरियन जो है जिन्होंने किताबें लिखी हैं या एनालिसिस किया है, रिव्यू किया, क्रिटिक उसका उसके उनके फैसलों करें, वो कहते हैं जिस दिन भुट्टो साहब ने आर्मी जनरल्स को बुला के उनसे मशवरे शुरू किए थे कि कैसे क्रश करनी है मैंने मूवमेंट, तो उसके बाद आर्मी के दिल में जो खौफ था या रिस्पेक्ट थी भुट्टो साहब की वो खत्म हो गई थी। जब पोलिटिकल लीडरशिप ये मैसेज देना शुरू कर देगी ये फौज को कि आपकी वर्दी से हमें थोड़ा सा हमने कुछ बारो करना है, आपका जो इख्तियार है, आपकी पावर है, उसको हमने कैच कराना है, एक्सपैंड करना है, ये वीकनेस होती है, ये स्ट्रांग मैसेजेस नहीं जाते होते, मैसेज को नहीं जाते, इवन मीडिया को नहीं जाते। सो मियां साहब को मेरा ख्याल है कुछ उनको सोचना होगा, और पर्टिकुलरली जो मैंने कल भी हाल पेश किया था आज दोबारा उसको रिपीट करता हूं क्योंकि एक अहम एक यहां पर इश्यू है, लॉन्ग मार्च है, तो इमरान खान साहब आ रहे हैं और लगता ये है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है जिसके बाद उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है या सारे के सारे इसमें मैं थोड़ा इंटरव्यू करना चाहता हूं क्योंकि हिस्टोरिकली आपने ये बात आप ठीक कहते हैं। बात जो असल में थी वो ये नहीं थी कि वो आर्मी पे रिलाय कर रहे थे, जो बुनियादी बात ये है कि जो उनके इलेक्टोरल वादे थे आवाम से, जब बाद में यहां आके वहां पे गोली भी चली आपको याद होगा लांडी में, बेसिकली वो जो मूवमेंट थी वो एक जेन्युइन मूवमेंट थी, और वो फौज ने क्या किसी ने आपको क्रश इंडिया की तरफ वो सारी हीट ले जानी पड़ी। बुनियादी जो हमारशिया था या हमारटेक एक्ट था मेरी एक नजर में वो ये था कि जब आप जो आपने वादे किए थे लोगों को देने के वो आगे इक्तदार तो मिल गया आपको, अब वो कह रहे थे आप वो दें, तो फिर आपने लीन किया। और ये जुल्फकार अली भुट्टो की अजमत ये है कि जो उनकी आखिरी किताब थी आई एफ आई एम असैसिनेटेड, उसमें उन्होंने अपनी इस गलती का एतराफ किया
और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो कुछ हुआ है इसकी वजह यह है कि मैंने दो तबकों के माबैन, गरीबों और अमीरों के माबैन, एक आबरूमंदाना मसालियत की कोशिश की और मेरे खिलाफ जो हुआ उसका नतीजा जो उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि इन दोनों तबकों में से जो एक एक तबके की दूसरे पे फतह होगी ये इनकी दोस्ती। अच्छा अब मामला क्या है, दो तबकों में वो भी पिसके रह गए। तो बात ये है कि जब सबक उसका ये है कि अगर आप अवाम को लीड कर रहे हैं और लीड करके आप इख्तदार की मंजिल तक पहुंचते हैं तो फिर अवाम आपकी तरफ पुश नहीं करने देते। मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि 70 के तमाम पॉपुलिस्ट लीडर जिन्होंने आधे इनकलाब किए थे वो मोस्टली सारे गैर तबई मौत मरे थे और ये हुआ है। और जहां पर कोट कर देता हूं, किसी ने कहा था कि दोज हु मेक हाफ अ रेवोल्यूशन डिग देयर ओन ग्रेव्स। क्लासा साहब, हालात का तकाजा तो यही है कि हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जमहूरियत को बचाने के लिए सियासी जमातों को आपस में मफाहमत करनी पड़ेगी और क्या मौजूदा हुकूमत उस समझदारी का मुजाहरा करेगी जो आसिफ अली जरदारी ने किया था जब पिछले साल ताहिरुल कादरी इस्लामाबाद जाकर बैठ गए थे? शाज़िया, एक वे आउट निकल सकता है जो मैंने कल भी बात की थी उस पर रिपीट करता हूं, वे आउट है, पॉसिबिलिटी है। और कल से जो हम देख रहे हैं कि दोनों एतराज जो है, हुकूमत हो या इमरान खान साहब हो, इन्होंने अगेन इन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया है और हमें बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आई हैं जिससे लगता है कि दोनों उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। अब और जो अगली फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो हो सकती है पॉसिबिलिटी, कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे चीफ जस्टिस जो नासिर मुल्क साहब है इन पर एतबार है और वहां मियां साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के कह रहे हैं जी आप वहां पे बना दें। मेरा ख्याल है दो तीन महीने का टाइम फ्रेम सेट कर लिया जाए, उसमें तीन चार जजेस आप ज्यादा कर लें, पांच जजेस कर लें, उनका कमीशन बना दिया जाए। इन द मीनवाइल आप अपनी मर्जी का या कंसेंसस कोई एक अब चीफ इलेक्शन कमीशनर लाएं ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए और प्लस नादरा में आप ये चेंजेस लाएं जो अपोजिशन पार्टी चाहती है, एक फेयर और न्यूट्रल बंदा लेके। अगर ये काम कर लिया जाए, टाइम फ्रेम सेट कर लिया जाए और दोनों पार्टी एग्री करें कि जो कमीशन रिकमेंडेशन देगा हम उसको मानेंगे, उसको कंट्रोवर्शियल नहीं करेंगे। लेकिन जो बात कल आप कर रहे थे क्लासा साहब, उन्हें चीफ जस्टिस पर तो एतमाद है लेकिन जो उनका स्टाफ है, जो सबूत जिन्होंने पेश करने हैं, जो आरोज है वो तो उनके अपने हैं, तो कैसे इमरान खान जो है वो उन पर एतमाद कर सकते हैं? इस पर मुझे जी शाज़िया, मैं ब्रेक लेने तो वही कर रहा हूँ कि आपको सब जी चले ले बात इस पे आगे बात। हाँ, ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। क्लास अब जो बात आप कर रहे हैं कि नादरा में भी चेंजिंग्स होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन में भी चेंजेस होनी चाहिए और दोनों की बाहमी रजामंदी से ये मामला संभल सकते हैं, लेकिन इमरान खान तो इस पॉइंट की तरफ आ ही नहीं रहे, वो तो बात ही नई सियासी बुरी हुकूमत की कर रहे हैं, नए इलेक्शन की कर रहे हैं। शायद अगर ये बात इमरान खान अभी कर लेते तो शायद वो मोबिलाईज वो नहीं कर सकते थे, फिर लॉन्ग मार्च का कुछ जवाब नहीं रह जाता था। उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा करना था, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को आके मोबिलाइज करना था, मोटिवेट करना था, एक ऐलान कर चुके थे। ये बातें अब इस्लामाबाद सेट होंगी या सेटल हो सकती है, मैं वे फॉरवर्ड बता रहा हूँ। अपनी मर्जी का एक यहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन लें और कंसेंसस हो सकता है और अच्छे बंदे ढूंढे जा सकते हैं और सेम आप नादरा में कर सकते हैं। जहां तक आप बात कह रही है कि ये सबूत जिन्होंने देने हैं वो वहां पर टेम्परिंग करते हैं, तो उसमें जब आप हटा लेंगे यहाँ पे अगेन इलेक्शन कमीशनर को हटा सकते हैं, जब आप नादरा में हटा सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है काम मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप इसको पब्लिक करें, ओपन करें, सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है वो सबके सामने होनी चाहिए और मीडिया उसको रिपोर्ट करे। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये यहाँ इमरान खान साहब और इनके फॉलोअर्स ये कहते हैं कि हमारे पास अनडिनाइबल सबूत है कि धांधली हुई है, ये हर भी कहते हैं, मैं आपको अकेला नहीं कह रहा, इन्होंने कहा भी मुसलसल कहते हैं। जब उनके पास अनडिनाइबल ऐसे सबूत हैं तो फिर इलेक्शन, तो फिर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का एक जो बनाना चाहते हैं, बेंच बनाना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट का एक एक वो लेके जाना चाहते हैं, वहां पर प्रोसीडिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इमरान खान साहब तो हमेशा ये डिमांड करते रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी गए थे ये कहने के लिए धांधली हुई है, जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको एंटरटेन नहीं किया था और जिसका उनको दिल है। आज सुप्रीम कोर्ट अगर उनको एंटरटेन करने को तैयार है, आज उनके ग्रीवेंसेज या सबूत वो उनको एग्जामिन करने को तैयार है, तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इस मुल्क को इतने बड़े बुरहान से निकालने का ये बेस्ट हल है कि तीन महीने की डेडलाइन रखें और जो भी यहाँ कमीशन हो ये सुप्रीम कोर्ट का उसकी रिकमेंडेशन। तो मतलब ये हुआ कि लचक का मुजाहरा इमरान खान को ही करना पड़ेगा। साहब मैं ये अगर एक मफरूजा कायम करता हूँ कि आज के दिन इनकी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर आ गया, नादरा का चीफ भी इमरान खान साहब की मर्जी से लगा दें, अच्छा जो सीट अहमद खान साहब
ہارے تھے وہ ان کو واپس کر دیں، جو سیٹ ترین صاحب ہے ان کو دے دیں، علیم خان صاحب اگر کہیں سے ہارے ہیں تو وہ سیٹ بھی ان کو دے دیں. دیکھیں جس طبقے کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس سارے معاشی سیٹ اپ سے، وہ تینوں تقسیم ہیں تینوں بڑی پارٹیز میں. اور اگر آپ دیکھیں تو اوپر بیٹھ کے جو لڑائی ہے بیسیکلی وہ اولیگارک سے درمیان ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بات بتائیں، یہ بھی کسی جہاز میں ہی سفر کرتے ہیں جس طرح نریندر مودی کرتا ہے؟ اب ایشو صرف یہ نہیں ہے، اب ہمیں جو میڈیا ہے یا یہ جو رولنگ الیٹ ہے وہ ہمیں یہ بران ہے جی کیونکہ عمران خان چل پڑے، یہ بران نہیں ہے. بران یہ ہے کہ یہ رولنگ کلاس ایک بار پھر اس ریاست کو اس طرح سے چلانے میں ناکام ہو گئی ہے جس طرح پہلے چلایا کرتی تھی. مثلا ایوب خان کا مارشل لا تھا، 7-8% گروتھ ریٹ تھا، یہاں پہ روزگار مل، مجھے خوشی ہو. ایون ضیاء الحق کا جو دور تھا، آپ ضیاء الحق کے دور میں جب میں لیکچرشپ کی نوکری لینے گیا ایم اے کر کے، تو حضور 500 سیٹ تھی اور 63 بندے تھے، دے ہیڈ فار بیٹر اکانومیز. اچھا آپ اس میں ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ لال خان کہہ رہے تھے کہ بڑی مضبوط معیشت کو اڑا کے رکھ دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی موومنٹ نے، وہ الگ بات ہے، اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کرائسس یہ نہیں ہے کہ شناختی کارڈ غلط بن رہے ہیں، کرائسس پہلا یہ ہے کہ آپ ریاست کو رن نہیں کر پا رہے، آپ کے گروتھ ریٹ لو ہیں، آپ رولنگ الیٹ اندر سے لڑ رہی ہے. اچھا اب ان کے اندر سے جو لڑائی ہے یہ عوام کو شامل کرنا چاہتے ہیں عمران خان، مگر عمران خان کا نعرہ، عمران خان قادری صاحب زیادہ ووکل ہیں، عمران خان عوام کا نعرہ لگاتے ہوئے پتہ نہیں کیوں شرماتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ دس اسٹیٹ از ناٹ بی، اس اکنامک سیٹ اپ میں، نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ میں، صرف یہی نہیں پوری دنیا میں کوئی بھی ریاست امن سے نہیں چل رہی. لہذا اگر ایک ڈاکٹر تشخیص ہی نہیں کرے گا کہ ہماری بیماری کیا ہے، اور نادرا کا چیف، الیکشن کمشنر اور 4 ٹنکرنگ کر کے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اس بحران سے باہر نکل جائیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ حل ہو پائے. کلاسرا صاحب، صبح جب میری آپ سے فون پہ بات ہو رہی تھی اور ہم بات کر رہے تھے کہ قافلہ عمران خان کا اتنا سلو کیوں چل رہا ہے اور قادری صاحب اتنی آگے کیوں جا رہے ہیں، تو آپ کی یہ سوچ تھی کہ شاید عمران خان کو لگتا ہے کہ قادری کے جو ورکرز ہیں وہ زیادہ کمیٹڈ ہیں، وہ ہر طرح کے رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے، اگر مارے بھی کھانی ہے ڈنڈے بھی کھانے وہ کھا لے، راستے کلیئر کر دیں تو ان کے لیے راستہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن جو میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان بھی کسی کال کا ویٹ کر رہے ہو، جو نواز شریف کے لانگ مارچ میں ان کو کال آئی تھی اور لانگ مارچ رک گیا تھا، ہو سکتا ہے عمران خان بھی اسی کال کا ویٹ کر رہے ہوں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شازیہ میرا خیال تھا کہ شاید آپ یہ بھول جائیں گی اور آپ کو یہ گفتگو یاد نہیں رہے گی. آپ نے پروگرام کے آخر تک اس کو ذہن میں رکھا ہے کہ یہ سوال ہم نے آ کے ضرور اٹھانا ہے. میں نے اس وقت جب آپ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ کیوں ہوا ہے کہ قادری صاحب آگے ہیں اور عمران خان صاحب پیچھے ہیں، تو میرے ذہن میں جو ریزن آتی ہے، مے بی رانگ، دیٹس مائی اس کی، یہ کہ عمران خان صاحب کا جو فالوور ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ابھی اس طریقے کے ٹرینڈ نہیں ہیں کہ وہ جائیں لڑائیاں کریں، مار کٹائیاں کریں. ان کا جو کراؤڈ ہے وہ ڈفرینٹ کراؤڈ ہے، اور جن کو آپ کو یاد ہوگا یہ بلاول بھٹو صاحب ان کو برگر کہتے تھے، اسی وجہ سے کہتے تھے کہ شاید یہ مشکلات نہیں فیس کر سکتے، وہ ایک ممی ڈیڈی کلاس ہے. حالانکہ ممی ڈیڈی کلاس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی پاکستانی پالیٹکس میں اتنے ہی انوالو ہیں سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے جتنے سیریس مائنڈیڈ ہوں گے. اب ان کو کوئی برگر وغیرہ نہیں کہتا، میرا خیال ہے وہ اب چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. لیکن جو قادری صاحب کا کراؤڈ ہے، فالوور ہیں، وہ زیادہ کمیٹڈ ہیں. انہوں نے بھی آپ نے دیکھ لیا 14 جانے دیے ہیں ان کے ہاتھ، 14 قتل ہوئے ہیں، وہ پھر بھی ان کو غزہ کی طرح، جیسے غزہ کو گھیرا ڈالا گیا تھا انہوں نے ڈالا تھا یہاں پہ، تو ایسے ہم نے دیکھا لاہور میں غزہ بنایا انہوں نے، اس کے باوجود انہوں نے سروائیو کیا ہے. سو جہاں تک مجھے فیل ہوتا ہے، ایک تو یہ چاہ رہے تھے دونوں اپنی قوت کا علیحدہ علیحدہ ایک اظہار کرنا چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب جان بوجھ کر وہاں سے زمان پارک سے لیٹ نکلے ہیں، انہوں نے صبح نکلنا چاہیے تھا، اگر اسلام آباد جلدی پہنچنا چاہیے تھا، وہ 12 بجے 12:30 بجے نکلے، 9 گھنٹے تو ان کو جہاں چیئرنگ کراس تک آنے میں لگے. اس لیے وہ جو بات میں نے آپ سے ایک طرح کی اس میں لائٹ سینس میں کی تھی کہ شاید عمران خان صاحب چاہتے تھے قادری صاحب کا جو یہ ان کا کراؤڈ ہے، ان کا ورکر ہے، وہ زیادہ وہ ہے موٹیویٹڈ ہے، چارج ہے. رستے میں جتنی بھی وہ ہیں، ایک ہوتا ہے فوج کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ آپ ایک ایڈوانس پارٹی بھیج دیتے ہوتے ہیں جو جائے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے کلیئر کر کے. اور کسی دور میں مجھے یاد ہے یہ جو ریلوے انجنز ہوتے تھے، ایک ریلوے انجن بھی بھیجا جاتا تھا پہلے خالی یہ ٹریک کو دیکھنے کے لیے کہ ٹریک پہ خدا نہ خاصا کوئی سیبوٹائز تو نہیں ہے، کوئی ٹریک کہیں پہ خراب تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو. اس کے بعد ایک پیسنجر ٹرین بھیجی جاتی تھی. سو یہ چیزیں میرا خیال ہے آپ ان کو یہ سمجھیں کہ وہ ایک ٹریک پہ انہوں نے انجن چلایا ہے ان کے قادری صاحب کی شکل میں، جو چیک کرے گا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی معاملات خراب تو نہیں ہے، کوئی چیز تو ٹھیک نہیں ہے، کوئی ٹائر ٹھیک ہے، کوئی سڑک. لیکن ابھی ہم اپنے ساتھ کو بتا دیں کہ عمران خان کنٹینر سے اتر کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، اور اب ہو سکتا ہے کہ ان کا قافلہ جو ہے وہ تیزی سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو. الٹیمیٹلی جو اسکیم آف تھنگز ہے کلاسرا صاحب، یہ 3 مہینے بعد پہنچ جائیں،
ये आधे घंटे में जहाज पे बैठ के चले जाएं। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, पहली बात तो ये हो। दूसरी बात ये हो गई कि असल जो इश्यू है, जो लोग हमसे चाहते हैं कि हम उन्हें बताएं कि अल्टीमेटली ये जो आप जहां जा रहे हैं, एक इमरान खान साहब का मकसद है, एक मुस्लिम लीग नून का मकसद है, एक अवाम का मकसद है। अवाम का मकसद, मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं। इमरान खान कहते हैं जी हम आपको आजादी देने चले हैं और आजादी से आजादी देंगे। अच्छा भाई क्या है, क्या लोगों के घर के बाहर कोई पुलिस मैन बंदूक लेके खड़ा है, उसने आजादी छीन ली आपसे, या आपको घर से कोई निकलने नहीं दे रहा? जब एक आम आदमी से सवाल पूछा है कि जी आजादी से, तो आजादी से क्या मतलब है? वो भूख से आजादी चाहते हैं, वो अफलास से आजादी चाहते हैं, वो बीमारी से आजादी चाहते हैं, बेरोजगारी। प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम क्लासरा साहब ये है कि जी इस सारे धड़ों में जो आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और ये हैं, मैं जैसे अर्ज कर रहा था, ये हैं दाएं बाजू के, नारे बाएं बाजू के मारते हैं, लेकिन जब कंक्रीट बात करने की आती है तो इनमें से सबसे आगे हमें कादरी साहब नजर आते हैं, जो खुल के थोड़ा सा बात करते हैं और उन्होंने को 10 पॉइंट का कल एक एजेंडा भी दे दिया। तो लोग हमसे ये जानना चाहते हैं, और खासतौर पर जो इसके साथ हैं, और खासतौर पर उन वो लोग जिनकी हमदर्दियां हैं इनके साथ, कि जनाब जब ये जाएंगे तो क्या बिजली का निजाम ठीक हो जाएगा, क्या यहां रोजगार किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अल्टीमेटली उनका ये मुद्दा है। तो मैं ये समझता हूँ दुआ हमारी ये है कि जिन ख्वाबों को देख के ये लोग जा रहे हैं वो ख्वाब रियलाइज हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लीडरशिप के वही मसाइल हैं, वही मिसाल के तौर पे हम जो सारे यहां बैठे हुए हैं, हमारे घर में तो यूपीएस लगा हुआ है, इमरान खान साहब को तो नहीं पता होगा कि बिजली चली जाए तो जो पंखा ना हो। लोग तो यहां के 80% लोग तो अंधेरे में बैठते हैं। तो ये डिस्कनेक्ट है, मूवमेंट जरूर बनेगी, मगर लोग ये जानना चाहते हैं कि इन मूवमेंट के नतीजे में हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जल्दी चले जाएं, ये रुक जाएं, ये तकरीर करें ना करें। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस। क्लास साहब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, जितनी भी आपने जर्नलिज्म की है, आपने भी बड़ी मूवमेंट देखी है, लॉन्ग मार्च देखे हैं, इस्लामाबाद जैसे जो पुरसकून शहर है, मजीद कितनी देर इस कैफियत से दो चार रह सकता है, या एक दो दिन की बात है सिर्फ ये? शाहजा मैं इससे पहले काजी साहब की छोटी सी बात पे मैं कमेंट कर लूं, मैं इस पे आता हूं कि इससे वो काजी साहब कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा। आपको याद होगा अनीक नाजी साहब जब हमारे साथ थे तो एक दिन हमारी बहस हो गई थी, तो अनीक ने ये बात की थी कि उसने कहा लोग क्यों नहीं निकलते बाहर, लोग क्यों नहीं बात करते, हम बात करते रहते हैं, हम इश्यूज हाईलाइट करते रहते हैं, लोग अपने घरों में मरते रहते हैं, बिजली का क्राइसिस है, फलां बरान है, लूट मार है, करप्शन है, इस्तेसाल है, यहाँ पे मेरिट नहीं है, और सब हजार मसाइल है, लोग बाहर क्यों निकलते। आपको याद होगा अनीक ने हमारे साथ यहीं पे बैठकर बात की थी। अगर लोग बाहर निकलते हैं इसका एक फायदा होता है सबके, आता है आप ब्यूरोक्रेसी पे दबाव आता है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो दबाव को एहसास करता है। अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे, अगर हम लोगों के मसायल हल नहीं करेंगे, तो यही लोग जो हमें पावर में लाते हैं, यही लोग हमें पावर से उठाकर बैर फेंक देंगे। अगर लोग रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो वो कहते हैं कि अगर बच्चा अब ना रोए तो उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। ये थोड़ा सा रोना धोना लगा रहना चाहिए, थोड़ा सा दबाव हुकूमत में। मेरी भी यही राय है, मेरी तो ये राय है कि और लोग बाहर आना चाहिए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, आप 100% ठीक कह रहे हैं। पीपल शुड कम आउट फॉर देयर राइट्स एंड वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आई एग्री। और लास्टली जो लास्टली आपने बात की इस्लामाबाद की, मैं खुद इस्लामाबाद में रहता हूँ 16 साल से, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद अगर ये क्राउड आ जाता है 10 लाख, जिसकी इमरान खान साहब बात कर, बहुत बड़ा फिगर है, लीव अलोन 10 लाख, 2 लाख बंदा भी अगर इस्लामाबाद में आ गया, इस्लामाबाद 3-4 दिन बहुत ज्यादा बता रहा हूँ ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, चौक हो जाएगा, ये शहर बैठ जाएगा। ये बहुत छोटा सा शहर है, ऑर्गेनाइज शहर है, एक खूबसूरत शहर है, सिंपल शहर है, ये 2-2.5 लाख। मेरे सवाल का जवाब दे दें, क्लासरा साहब, ये जो कल दुनिया टीवी की ट्रांसमिशन थी, आप ही मुझे, आप आए नहीं उसमें, शायद आ नहीं सके, ये बता दें हुकूमत बदलेगी, वो बदल जाए या ना बदले, मुझे क्या लेना देना, निजाम बदलेगा या नहीं बदलेगा या नहीं? कादरी साहब निजाम उसी से बदलेगा जो आपने भी बात की है, कि जो अगर निजाम बदलने की कोई बात कर रहे हैं वो कादरी साहब कादरी साहब इमरान खान साहब कर रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ना दूसरे कर रहे हैं। इमरान खान साहब उसी स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं जो कादरी साहब का 10-point एजेंडा है। बंदे कैसे हैं, उनकी मुझे शक्ल नहीं अच्छी लगती, उनकी बातें नहीं अच्छी लगती, वो खुद नहीं अच्छे लगते, उनके व्यूज क्या है, मैं डैम केयर, आई डू केयर, वो जो पॉइंट दे रहे हैं वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकते हैं, वो आपके सिस्टम को बदलने की बात कर, उससे सिस्टम बदल सकते हैं। इवन इमरान खान साहब के भी नारों से, इनके मार्चे से सिस्टम नहीं बदल सकता, सिस्टम नहीं बदलेगा, आप चेहरे बदल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब, काजी साहब, आपका नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन दुनिया न्यूज आपको आजादी मार्च और इनकलाब मार्च की जो सूरत हाल है इससे लम्हा ब लम्हा आगाह रखेगा। हमें हमारे प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए, खबर @duniatv.tv पर। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।